हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे उपकरण और उनके प्रयोग। तो जो भी उपकरण है उनके प्रयोग किस प्रकार से होती हैं, किस उपकरण से क्या चीज़ मेजर की जाती है, ये सारी चीज़ें आज मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। गाइस, मैं ये टॉपिक आपके लिए इसलिए लेके आ पाई हूँ क्योंकि देखो हाल ही में रेलवे ALP के पेपर चल रहे हैं 9 अगस्त से, और अभी 14 अगस्त तक ये पेपर हो चुके हैं। तो देखो ये 9 अगस्त से और 14 अगस्त तक जो ये ALP के पेपर हुए हैं, तो उनके आप कोई भी शिफ्ट का पेपर देख लो, उसमें हर शिफ्ट में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% पूछा गया है। तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ क्योंकि देखो ये टॉपिक आप कर लेते हो तो आगे आपके जिनके भी पेपर्स होंगे उसमें आपको फायदा होगा कि हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है दो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी चीज़ छूट ना पाए। और देखो इस टॉपिक से ज़्यादा डीपली कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस उपकरण का नाम दे देंगे, पूछ दिया जाएगा इससे क्या चीज़ मेजर की जाती है, या फिर दे देंगे कि भाई उस चीज़ का नाम दे दिया जाएगा जो मेजर की जाती है, और पूछ लेंगे भाई ये किस उपकरण से मेजर की जाती है, ठीक है इस प्रकार से। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नामदेव एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटे के चिन्ह को दबा लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम बता चुकी हूँ, उपकरण और उनके उपयोग, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्टीमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ज़्यादा डीपली इनसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्या किया जाएगा उपकरण का नाम देगा और उसका उपयोग पूछेगा, या फिर उसका उपयोग का नाम दे देंगे, उपयोग का बता देंगे और पूछा जाएगा कि भाई ये किसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो इस प्रकार भी पूछ सकता है, वो इस प्रकार भी पूछ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अल्टीमीटर के बारे में बात देखते हैं। तो देखो अल्टीमीटर से क्या होता है, जो एल्टीट्यूड होता है उसको मेजर किया जाता है, मतलब कि जो ऊंचाई होती है ना उसको मेजर किया जाता है अल्टीमीटर के द्वारा। अभी हम बात करते हैं एमीटर के बारे में। देखो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये ALP के पेपर्स हुए हैं ना उसमें देखो एक शिफ्ट में तो पूछा गया था एमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो आंसर था ये विद्युत धारा मापी जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। और दूसरी शिफ्ट में इसी क्वेश्चन को किस तरह से पूछ लिया कि जो ये विद्युत धारा है इलेक्ट्रिक करंट है इसको मापने के लिए क्या चीज़ यूज की जाती है, भाई किसके द्वारा ये मापा जाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा एमीटर हो जाएगा, ठीक है इस तरह से ही पूछ लिया है। तो ये चीज़ मैंने बता दिया आपको एमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो देखो एमीटर तो हम देख चुके हैं गाइस क्या मापा जाता है एमीटर के द्वारा मापी जाती है जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको मेजर किया जाता है। अभी बात करते हैं एनेमोमीटर की। तो एनेमोमीटर के द्वारा जो वायु वेग होता है उसको मेजर किया जाता है। अभी हम बात करते हैं ऑडियो फोन के बारे में। तो ऑडियो फोन की बात करें तो देखो ऑडियो से सुनाई देता है, ऑडियो मतलब सुनने वाली जो आवाज़ होती है सिर्फ जिसमें सुन सकते हैं देख नहीं सकते, तो वो होती है ऑडियो, ठीक है। तो ऑडियो में बस सुनाई देता है, देख नहीं सकते हैं उसे। तो वही देखो इससे आइडिया लगा सकते हैं आप कि भाई ऑडियो की बात हो रही है तो जो सुनने वाली शक्ति होती है श्रवण शक्ति, यानी सुनने वाली जो शक्ति होती है उसको और ज़्यादा सुधार करना, उसके मतलब उसके एक तरह से मेजर के लिए उसमें सुधार करने के लिए ऑडियो फोन का यूज किया जाता है है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं बायनाकुलर की। हिंदी में इसे कहते हैं दूरबीन, और बायनाकुलर है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बायनाकुलर का प्रयोग किया जाता है। ये आप सभी को पता है कि भाई दूरबीन से दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं बैरोग्राफ की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैरोग्राफ की बात करें तो जो वायुमंडलीय दाब जो होता है उसके बारे में उसको जो मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है, किसको, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मेजर करने के लिए बैरोग्राफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ही हम बात करते हैं क्रेस्कोग्राफ की बात करते हैं। तो क्रेस्कोग्राफ है वो पौधों की वृद्धि के लिए इसका यूज किया जाता है क्रेस्कोग्राफ का। तो ये देख लिया भाई पौधों के लिए, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पौधों के लिए यूज किया जाता है क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, देखो क्रेस्कोग्राफ देख लिया, क्रोनोमीटर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो क्रोनोमीटर है ये किस लिए यूज किया जाता है, क्रोनोमीटर से क्या होता है भाई एकदम एग्जैक्ट टाइम है उसको जानने के लिए, जहाज होते हैं ना शिप होते हैं शिप उनमें एकदम एग्जैक्ट टाइम जानने के लिए क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है। तो क्या हो गया ठीक समय, देखो यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये आप लिख सकते हैं जानने, ठीक है। तो ठीक समय जानने हेतु जहाज के अंदर ठीक यानी एग्जैक्ट टाइम जानने के लिए क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं भाई जो क्रोनो, ये देख ही लिया कि एग्जैक्ट टाइम जानने के लिए जहाज के अंदर जो घड़ी लगाई जाती है जिससे एग्जैक्ट टाइम देखते हैं उसके लिए क्रोनोमीटर यूज किया जाता है। अब यह बात करते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कार्डियोग्राफ, ठीक है। कार्डियोग्राफ क्या होता है,
कि हृदय गति होती है ना उसको मेजर करने के लिए कार्डियोग्राफ का यूज किया जाता है। अब यह बात करते हैं कार्डियोग्राम का, तो कार्डियोग्राम क्या किया जाता है, जो कार्डियोग्राफ है ना उसके कामों में सहयोग के लिए कार्डियोग्राफ यूज किया जाता है। देखो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ तो है कार्डियोग्राफ और यहाँ है कार्डियोग्राम, ठीक है। तो कार्डियोग्राफ से तो जो हृदय की गति होती है वो मेजर की जाती है, और जो कार्डियोग्राम है, देखो ग्राम और ग्राफ का अंतर है, ग्राफ से तो क्या किया जाएगा हृदय की गतियों को मेजर किया जाएगा, और ग्राम से क्या किया जाएगा, कार्डियोग्राम से जो ये कार्डियोग्राफ है इसके कामों में ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं डायनामो की, बात करते हैं तो डायनामो से क्या है, जो ये यांत्रिकी ऊर्जा है इसको कन्वर्ट करती है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो डायनेमो क्या काम करता है, डायनेमो काम करता है यांत्रिकी ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसको किस में करता है, उसको करता है विद्युत ऊर्जा में करता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं जो फैदो हाँ तो देखिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं फैदोमीटर के बारे में, बात करते हैं तो फैदोमीटर है इससे क्या किया जाता है, जो समुद्र की गहराई होती है ना उसको मापा जाता है। तो देखिए अगर इससे क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि जो समुद्र की गहराई है वो किससे मापी जाती है, तो वो मापी जाती है फैदोमीटर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो इसको हम आगे देखेंगे, इसको आप कट कर दीजिएगा फिलहाल के लिए। तो अब हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की, बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर की बात करें तो अति अल्प विद्युत धारा है, मतलब बहुत छोटी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। बात करते हैं किसकी, मैनोमीटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैनोमीटर की बात करते हैं तो जो गैस के घनत्व होते हैं उसको मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, मैनोमीटर यूज किया जाता है। अब बात करते हैं ओडोमीटर की, तो देखो ओडोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, ओडोमीटर यूज किया जाता है एक तरह से देखा जाए तो दूरी के लिए यूज किया जाता है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी है उसको बताने के लिए, यानी कि जो दूरी होती है उसको मापने के लिए किया जाता है, ये ओडोमीटर यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फोटोमीटर की, तो देखो फोटोमीटर क्यों यूज किया जाता है, फोटोमीटर की बात करें तो फोटोमीटर है इसका जो उपयोग है वो क्या है, तो इसका उपयोग है जो प्रकाश की दीप्ति है उसको मेजर करता है फोटोमीटर। अब यह बात करते हैं रेडियोमीटर की, ठीक है। तो रेडियोमीटर क्या करता है, विकिरण द्वारा जो विकृत जो ऊर्जा होती है उसको मापता है, क्या करता है कि जो विकिरण है विकिरण के द्वारा जो भी विकृत ऊर्जा होती है उसको मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, रेडियोमीटर। अब बात करते हैं पायरोमीटर की, देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, जहां भी ये वर्ड यूज किया जाता है ना पायरो, ठीक है, पायरो जहां भी यूज किया जाता है उसका मतलब क्या होता है कि ऊंची के लिए, ऊंची चीज के लिए बात हो रही है ना, ठीक है। तो पायरो से क्या समझे हमने, ऊंची चीज के लिए, तो यानी पायरो, पायरोमीटर की बात की जाए तो हाई टेम्परेचर, पायरो से याद रख लेना कि हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। तो पायरोमीटर है वो किया जाता है जो हाई टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए, उच्च ताप को मेजर करने के लिए। अब यहाँ बात करते हैं सिस्मोमीटर की, बात करते हैं तो देखिए सिस्मोमीटर है इससे क्या होता है, जो भूकंप होता है उसकी तीव्रता को मेजर किया जाता है सिस्मोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं टेलीप्रिंटर के बारे में, बात करते हैं तो देखो टेलीप्रिंटर से क्या होता है, टेलीप्रिंटर से होता है कि जो टेलीग्राफ के द्वारा जो भेजी गई जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना उनको स्वस्थ यानी अच्छे से छापने वाला ये यंत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं टैक्सीमीटर की, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, टैक्सीमीटर की यहाँ बात की जाए तो देखिए इससे क्या होता है, टैक्सीमीटर से ये होता है कि जो टैक्सी होती है ना, ऑटो वगैरह ये जो होती है टैक्सी, तो इनमें क्या जो किराया दर्शाया जाता है ना, किराया दिखाया जाता है कि भाई कितनी दूरी का कितना किराया है, तो वो दर्शाया जाता है, वो दर्शाने वाला जो यंत्र है वो है टैक्सीमीटर। अब हम बात करते हैं जायरोस्कोप के द्वारा क्या होता है, तो देखो जायरोस्कोप की बात करें तो इसके द्वारा जो घूमती कोई भी घूमती हुई वस्तु होती है ना उसकी गति का अध्ययन किया जाता है जायरोस्कोप के द्वारा। अब बात कर लेते हैं टैकोमीटर के बारे में, तो देखो टैकोमीटर इंपॉर्टेंट है, टैकोमीटर से क्या होता है, मोटरबोट और जो वायुयान होता है ना उसको, उसके वेग को हम माप सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं टेलीस्कोप के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, तो टेलीस्कोप की बात करें तो ये भी जो बाइनोकुलर की तरह ही वर्क करता है, जो दूर की वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए टेलीस्कोप यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं काइमोग्राफ के बारे में, तो देखो काइमोग्राफ की बात करते हैं तो काइमोग्राफ है जो रक्तदाब है ना, रक्तदाब धड़कन का अध्ययन होता है इसके द्वारा, किसके, काइमोग्राफ के में, ठीक है। तो काइमोग्राफ से हम क्या करते हैं, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर और जो धड़कन होती है उनका अध्ययन इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, देखो मैंने कहा था कि इन चीज़ों का थोड़ा बाद में देखेंगे, तो अब बात करते हैं कैपिलर्स की, तो देखो कैपिलर्स से क्या होता है, कैपिलर्स नहीं सॉरी कैलिपर्स, ठीक है, कैलिपर्स की यहाँ बात करें तो कैलिपर से क्या होता है, जो छोटी दूरी होती है ना वो मापने के लिए यूज किया जाता है
कैलिपर्स, ठीक है, छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए, छोटे डिस्टेंस को मेजर किया जाता है इससे। बात करते कैलोरीमीटर की, तो कैलोरीमीटर से ऊष्मा मापन है, ऊष्मा है उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करते कैंपस की, ठीक है, तो कैंपस से क्या हो जाता है, जो दिशा ज्ञान के लिए यानी कि डायरेक्शन बताने के लिए कैंपस का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एक्सीलेटर की, बात करते हैं तो एक्सीलेटर से क्या होता है, जो चलती हुई यांत्रिकी सीढ़ियाँ होती है ना वो होती हैं एक्सीलेटर। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं एक्यूमुलेटर की, बात करते हैं तो एक्यूमुलेटर से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होती है उसका संग्राहक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है देखो बताती हूँ मैं, देखो एक सेकंड देखिएगा गाइस, यहाँ बात कर रहे हैं स्टेथोस्कोप के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या देखा हमने, स्टेथोस्कोप की यहाँ बात की जा रही है, तो इससे क्या होता है, हृदय और जो फेफड़े की गति है ना उसका अध्ययन किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया स्टेथोस्कोप, इसके द्वारा हृदय और फेफड़े की जो गति होती है उसको उसका अध्ययन किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर है, इसके द्वारा क्या होता है, धमनियों में जो रक्त दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसकी तीव्रता ज्ञात की जाती है यानी कि वो मेजर की जाती है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं थर्मामीटर की, तो थर्मामीटर से जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर वगैरह होता है, टेम्परेचर को मापा जाता है थर्मामीटर से, मेजर किया जाता है टेम्परेचर को। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं थर्मोस्टेट से क्या किया जाता है, तो थर्मोस्टेट की बात करें तो जो ताप स्थाई बताने के लिए, ताप स्थाई बनाने के लिए ये थर्मोस्टेट है ये यूज किया जाता है, कि भाई जो एकदम जो टेम्परेचर है वो स्थायी रूप से बना रहे इसके लिए थर्मोस्टेट यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हाइड्रोफोन की, बात कर लेते हैं, तो देखिए हाइड्रोफोन की बात की तो पानी के अंदर की जो ध्वनि है ना उसको मेजर करने के लिए हाइड्रोफोन का यूज किया जाता है, पानी के भीतर की ध्वनि के लिए। अब यहाँ बात करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर की, तो स्पेक्ट्रोमीटर से क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं हाइड्रोमीटर की, देखिए यहाँ थोड़ी सी ये चीजें हैं, एक तो हाइड्रोफोन हो गया, एक हाइड्रोमीटर और एक हाइग्रोमीटर, तो इन चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा, इनमें तीनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। हाइड्रोफोन यूज किया जाता है पानी के भीतर की ध्वनि के लिए, और हाइड्रोमीटर है ये किया जाता है द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने के लिए, और हाइग्रोमीटर है ये किया जाता है वायु की अपेक्षित आर्द्रता का ज्ञात करने के लिए। देखो तीनों में से एक जरूर आ सकता है, क्योंकि तीनों कंफ्यूजिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है तीनों, तो इसलिए तीनों को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं वोल्ट मीटर की, देखिए ये पूछा गया था अभी एएलपी की जो एक शिफ्ट में, ये पूछा गया था वोल्ट मीटर का पूछा गया था कि भाई वोल्ट मीटर है इसे क्या मेजर किया जाता है, तो देखो इसका नाम वोल्ट मीटर है, इसे जो मेजर किया जाता है वो इसके नाम में ही है वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट से क्या हो गया, वोल्टेज, क्या हो गया, वोल्टेज, तो ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज वोल्ट मीटर है इससे मेजर किया जाता है। तो क्या हो जाएगा कि जो विभवांतर मापना यानी विभवांतर को मेजर करना, विभवांतर यानी कि वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर है ये यूज किया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं लैक्टोमीटर की, बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं लैक्टोमीटर के बारे में बात करते हैं, तो लैक्टोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, दूध मेजर किया जाता है। देखिए एक चीज का याद रखिएगा आप लोग कि जो लैक्टोमीटर की यहाँ बात हो रही है, तो देखो जहां जहां ये वर्ड यूज होएगा ना लैक्टो, वहां वहां बात होगी मिल्क से रिलेटेड कोई बात की जाएगी लैक्टो, या फिर इस तरह से याद कर लिए कर लो आप कि जहां जहां मिल्क की बात होगी वहां वहां लैक्टो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो लैक्टोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, दूध को, दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे, लैक्टोमीटर से। अब हम बात कर लेते हैं रेन गेज से, तो रेन गेज से जो वर्षा, देखो नाम में ही है रेन, रेन मतलब कि बारिश, ठीक है। तो रेन गेज से क्या किया जाता है, जो वर्षा है ना इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं रेडिएटर, तो रेडिएटर से क्या करता है, रेडिएटर का काम है वो है कि वाहन होते हैं उनके जो इंजन को ठंडा रखने के लिए क्या यूज किया जाता है, रेडिएटर, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम किसके बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करते हैं, तो जो रेफ्रिजरेटर है इसका आप सभी को पता है कि जो भी खाने पीने की जो भी चीज़ें होती है उनको ठंडा रखने के लिए क्या यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर। यानी कि हमें देखो
नॉर्मली घरों में भी आप देखो कोई भी खाने की वस्तु कोई भी चीज़ आपको ठंडी करनी है तो आप किस में रखते हो, फ्रिज में रखते हो। तो ठंडा करने के लिए कोई भी खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर यूज किया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं माइक्रोमीटर की, तो माइक्रोमीटर है अति लघु दूरी नापने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि बहुत छोटी सी दूरी होती है ना उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं बैरोमीटर की, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ बात कर लेते हैं बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर है, इसको यूज किया जाता है वायु दाब को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। देखिए ये सारी चीज़ें 60+ ये हमने किए हैं, जो भी उपकरण हैं वो और उनके इन्वेंटर्स नहीं, उनका जो उपयोग है, जो भी उपकरण है कि भाई किस उपकरण का क्या उपयोग है, वो सारी चीज़ें यहाँ देखी हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इस वीडियो से आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन इतना तो गाइस 100% श्योर है कि इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। जो आने वाली जो भी पेपर्स होंगे, एलपी की जो भी शिफ्ट्स होंगी, उनमें डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जितना हो अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नामदेव अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस जिस भी प्रकार के आप वीडियोज चाहते हैं वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।